1 to 5 में अगर कोई डाउट है तो बच्चों पूछ लो, डीपी में नंबर 7 डिस्कस कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बता रहा हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द मोलर मास ऑफ नॉर्मल वाटर इज एज कंपेयर टू हैवी वाटर, ठीक है। तो आपको पता है नॉर्मल वाटर कौन सा होता है, H2O, और हैवी वाटर कौन सा होता है, D2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हैवी वाटर। तो पहले तो अपन मोलर मास निकाल लेते हैं इसका। इसका मोलर मास होगा 2 + 16 बराबर 18, ठीक है। और इसका मोलर मास होगा भैया, अब ड्यूटीरियम आपको पता है ना क्या होता है, ड्यूटीरियम होता है 1H2, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, और इसके लिए मोलर मास 2 लेते हैं। तो 2 + 2 + 16 ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसका मतलब ये 18 है और ये 20 है, ठीक है। तो ये 18 से 2 मोर है, टू मोर है, तो कितना ज्यादा है यहां से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मोलर मास ऑफ नॉर्मल वाटर इज, तो या इसके बारे में बोलूँ, ये 20 के कंपेयर में ये 18 है, ठीक है। तो ये 2 लेस है, तो 20 का 2 कितना हो गया, 10% लेस होगा ये कंपेरेटिवली। क्या ये बात समझ में आई है, दिस इज 2% लेस, वाटर इज 2% लेस, ठीक है। बोलो 2% लेस, चलो बोलो भाई बोलो, वाटर इज 2% लेस, ठीक है। मेरे क्या समझ में आ गया होगा, शादी यस और नो बता दो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के, अगर समझ में आ गया हो तो। चलो अगला क्वेश्चन 5 पूछा है, 5th क्वेश्चन में अब पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज इसकी। 1 मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ N2NO2 एंड N2O4 हैज ए मीन मोलर मास ऑफ 55.4 ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर एट विच ऑल द N2O4 मे बी प्री एज्यूम टू हैव डिसोशिएटेड N2O4 इंटू 2NO2 द मीन मोलर मास लीड्स टेंस टू लोअर वैल्यू ऑफ 39.6 व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ N2NO2 एंड N2O4 इन ओरिजिनल रिएक्शन। चलिए तो पहली लाइन पढ़ता हूं, 1 मोल मिक्सचर ऑफ N2NO2 एंड N2O4 इज अ मीन मोलर मास ऑफ 55.4। मतलब अपन बिल्कुल स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि N2 + NO2 + N2O4 का एक मिक्सचर है और यह है 1 मोल। ये मैंने मान लिया ए मोल, ये मैंने मान लिया बी मोल, ये मैंने मान लिया सी मोल, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई A + B + C = 1, करेक्ट है, ठीक। चलिए A + B + C = 1 अपने कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है एम एवरेज, ये बोल रहा है 55.4 है, तो मोलर मास एवरेज का फार्मूला पता है ना आपको क्या होता है, एवरेज निकालते हैं M1N1 + M2N2, ठीक है, प्लस, ठीक है, जो भी है, अपॉन N1 + N2 + इन सबको, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि 55.4 क्या होगा, A * 28 + B * 46, ठीक है ना, ये बच्चों को पता होना चाहिए भाई, ऐसे निकालते हैं एवरेज मोलर मास, प्लस C * 92, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मोल्स को, अपॉन A + B + C = 1। तो आप ये देखो इक्वेशन नंबर, ये तो हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई, ये पूरी पूरी इक्वेशन नंबर हो गई 2, ठीक है, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब ये बोल रहा है कि इसको हीट किया, तो हीट करने पर सारा N2O4 खत्म हो गया और किस में कन्वर्ट हो गया, NO2 में। तो आप समझो ये सी मोल अगर पूरे खत्म हो जाएंगे तो ये 2 सी मोल बना देंगे। तो नाउ मिक्सचर हैज N2, तो ए मोल ही है, NO2 जो है वो पहले से बी था लेकिन अब 2 सी बन गया है, यहां से कहां से बन गया, यहां से, और N2O4 जो है वो कितना हो गया, 0, क्योंकि कम करके अपन ने सारा खत्म कर दिया। अब इसका एवरेज मोलर मास जो है वो क्या होगा, A * 28 + B + 2C * 46 अपॉन A + B + 2C, ये टोटल मोल्स नीचे लिखे, और ये मुझे दे दिया है एक्चुअली, दिस इज गिवन एज 39.6 ये दे दिया। अब आप देख सकते हैं यहां से ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3rd, ठीक है। तो 1, 2 और 3 तीन इक्वेशन हो गई हमारी, यहां से हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशन से ए बी सी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई, बोलो भैया, ठीक है। सुशांत क्या ये बात समझ में आई क्या, जो मैंने तीन इक्वेशन बना के लिखी यहाँ पे, इसको आप सोल्व करके निकाल सकते हैं, तीन इक्वेशन तीन अननोन को सोल्व करके, बोलो, ठीक है। चलो तो ये क्लियर है बच्चों का, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम
सिक्स टू टेन क्वेश्चन, सिक्स टू टेन में कोई डाउट है तो वो पूछ लो भैया, चैट बॉक्स में लिख दो अपने जो भी डाउट है तुम्हारे। सिक्स क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, ठीक है सिक्स क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 11 112 ml ऑफ NO2 एंड STP वाज लिक्विफाइड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बीइंग 1.15 ग्राम पर लीटर पर ml, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द लिक्विड NO2। ठीक है तो भैया सबसे पहले तो इसने लिया 112 ml NO2 एट STP। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर देख रहे हैं 112 ml NO2 एट STP, ठीक है भैया। ठीक है मैं सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मोल इसका आ गया 112 अपॉन 22400 से डिवाइड किया, ये मोल आ गए। अब मोल आ गए तो मैं इसका जो है मास निकाल सकता हूँ, ठीक है ठीक है। मास जो है कैसे निकलेगा, 112 अपॉन 22400 मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, मोलर मास इसका 46 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आप तो मेरे ख्याल से ये कटकुटा के 0.23 जो है वो ग्राम आ जाएगा। अब इसको लिक्विफाई कर दिया तो मास तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लिक्विफाई कर देंगे तो मास तो कांस्टेंट रहने वाला है, मास कांस्टेंट है तो अब इसका वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। मास है 0.23 और डेंसिटी बोल रहा है कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, डेंसिटी दे रही 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है। तो बस अब यहाँ से जो है आप आंसर किस में निकाल लोगे, ml में निकाल लो, ठीक है क्लियर है बात ये, ml में ये निकाल लो, ठीक ये हो गया। बाकी मॉलिक्यूल तो इजीली निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे भैया, ये मोल जो है मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर कर दें तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल। क्या सिक्स क्वेश्चन क्लियर है भाई सब लोगों का, बोलो बोलो बच्चों, जिसने पूछा है वो देख ले यहाँ पे और मुझे बता दे कि ये क्लियर है क्या। चलो ठीक, चलो आंसर आ गया मेरे पास, क्लियर है। टेंथ तक कोई डाउट बच्चों, टेंथ तक कोई डाउट, नाइन्थ क्वेश्चन आया बच्चे की तरफ से, नाइन्थ क्वेश्चन बता रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, बड़ा कर देता हूँ इसको मैं ताकि आराम देख सको, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस, ठीक है। और आगे आपको दे दिया द अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबली ऑब्टेन फ्रॉम 64 ग्राम ऑफ CaC2 विल बी, ठीक है 64 kg CaC2 विल बी, ठीक है। अब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे, सबसे पहले CaC2 की वाटर से रिएक्शन, सबसे पहले CaC2 की वाटर से रिएक्शन में बना रहा है CaOH2 प्लस C2H2, तो बैलेंस नहीं है रिएक्शन इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ 2, अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब के बाद नेक्स्ट रिएक्शन बोल रहा है कि C2H2 प्लस H2, ठीक है, और यहाँ से बना रहा है ये C2H4, ठीक है, और फिर C2H4 ये N मिला के मॉलिक्यूल इनसे बना रहा है पॉलीथीन C2H4N, ठीक है। ये पूछा ये कितना मिलने वाला है पॉलीथीन, अब ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट होगा तो मैं इसका मास निकाल लूं अगर, ठीक है, तो यही मास इसका आंसर हो जाएगा, बोलो ठीक है। तो अब ये मास कैसे निकालेंगे कि क्वेश्चन में ये दिया है 64 kg, सबसे पहले इसको मोल में कन्वर्ट करें, ठीक है, और उसको मोल में कन्वर्ट करके अपन इससे ये निकाल लेते हैं, ठीक ये निकाल लेंगे तो इससे फिर अपन C2H4 निकाल सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, CaC2 के मोल कितने होंगे भैया, ये होंगे 64 kg यानी कि 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई करूं मोलर मास डिवाइड करूं तो इसका मोलर मास 64 ही होगा, यानी मेरे पास है 1000 मोल किसके हैं C2CaC2। यूनिटी मेथड से चल लेते हैं, ठीक है, ये एक से बनता है एक, तो 100 मोल अगर मैं ये लेता हूं तो ये 100 मोल ही बनेगा, ठीक है। अगर 100 मोल ये लेता हूं, यूनिटी मेथड से चल रहा हूं मैं, कुछ नहीं लिख रहा हूं सीधा, तो ये एक से एक मिलता है तो ये भी कितना मिल जाएगा मुझे 100 मोल, और 100 मोल एक्चुअली कितना है इनटू मोलर मास इसका C2H4 का लेते हैं अपन 24 28, ठीक है, तो ये 2800 जो है ये हो जाएगा आपका ग्राम। कुछ अगर मैंने गलती करी हो, 1000 मोल है ना तो मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, ठीक है, तो ये 28000 ग्राम हो गया, मतलब 28 kg।
अब आप सोचो 28 kg ये बना लिया मैंने, अब मैं 28 kg ये चीज लेकर पॉलीथीन बना रहा हूं तो मास कंजर्वेशन लगा के सीधा आंसर ना लिख दो 28 kg। बोलो बच्चों क्या है समझ में आई है क्या बात? अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ेंगे फिर अपन। बताइए जिसने पूछा है यस और नो लिखो। 9th क्वेश्चन क्या क्लियर है क्या अक्सर बताओ भी? चलो सुशांत ने पूछा है 8th क्वेश्चन, ठीक है सुशांत का 8th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। ठीक है रेशियो वैलेंसी पूछ रहा है ये, है ना। द ऑक्साइड ऑफ सर्टेन हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंटेंट्स 27.28%, 42.86% एंड 52.94% ऑक्सीजन, व्हाट इज द रेशियो वैकेंसीज ऑफ एलिमेंट इन दीज थ्री ऑक्साइड्स। ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है तो अब ये कैसे करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। ठीक है यहाँ ये ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रहा है तीनों ऑक्साइड में, ठीक है और वैलेंसी जो है ये पूछ रहा है कि वैलेंसी जो है किस रेशियो में होगी। ठीक है तो इसको बताने के पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे सी और CO2 में कंपेयर करें अपन, ठीक है तो कार्बन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कार्बन अगर मैं देखूँ तो कार्बन यहाँ पे वैलेंसी इसकी +2 और इसकी +4, तो वैलेंसी का रेशियो कितना आ गया 1:2। ठीक है और यहाँ पे जो है इसके फिक्स्ड मास के लिए ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, ये ऑक्सीजन का रेशियो भी कितना है, ओ का रेशियो है 1:2। तो मैं यहाँ से ट्रिक बता रहा हूँ कि जो ऑक्सीजन का मोल रेशियो होगा वही इनकी वैलेंसी का रेशियो होगा। ठीक है मतलब ये दिमाग में रखें कि जो ऑक्सीजन का मोल रेशियो है वही वैलेंसी का रेशियो है। ठीक है अब देखो मैं आगे बताता हूँ 27.28 42.86, 27.28% एक में है ऑक्सीजन, एक में है 42.86, ठीक है और फिर एक में है 52.94। ये किसका परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है। ठीक ये क्वेश्चन दे रहा है अगर हम इस कंपाउंड का 100 ग्राम कंपाउंड मानते हैं ईच को, तो इसमें मेटल जो है ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ये 27.28 ग्राम होगा, तो ये 100 - 27.28 ग्राम होगा। ऐसे इसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो ये 46.28 है, 86 है, तो ये 100 - 46.86 हो जाएगा। इसके बाद इसमें मेटल ऑक्सीजन का रेशियो 52.94 और ये 100 - 52.94 हो, सही है। अब हम क्या करेंगे देखो, इसके लिए इतने इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम है तो एक ग्राम के लिए कितना होगा वो निकाल लोगे। इसके इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम है ऑक्सीजन तो एक ग्राम के लिए कितना होगा निकाल लोगे। इसके इतने ग्राम के लिए ऑक्सीजन इतना है तो एक ग्राम के लिए कितना होगा निकाल लोगे। ठीक जो मास का रेशियो आएगा ऑक्सीजन का वही रेशियो क्या होगा, मोल का रेशियो होगा ऑक्सीजन का, और जो ऑक्सीजन का मोल रेशियो होगा वही मेटल का वैलेंसी का रेशियो होगा। तो ये आप आराम से जो है यहां से निकाल के सोल्व कर सकते हो, यही यहाँ पे मेटल की वैलेंसी का रेशियो होगा, और वैलेंसी का रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन CO2, ठीक है तो यहाँ से जो है 1:2 जो है यहाँ पे इसका रेशियो होने वाला है। क्या ये बात समझ में आई है क्या? बोलो, ये मैंने यहाँ एक एग्जांपल समझाया है कि कार्बन की वैलेंसी 2, कार्बन की यहाँ 4, तो जो वैलेंसी का रेशियो है वही ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो है। तो बस आपने ऑक्सीजन के मोल का रेशियो बनाया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो नो लिख दो भाई, ठीक है ना। अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो तो अपनी DPPA खत्म होने वाली है, ठीक है 10 तक और कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो, 10 तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना मैं DPP नंबर 8 स्टार्ट करूँगा। DPP नंबर 8 स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, कर दें स्टार्ट इसको। तो चलिए भाई जो है DPP नंबर 8 में 1 to 5 में कोई डाउट हो बच्चों को तो वो चैट बॉक्स में लिख दो, 1 to 5 में कोई डाउट हो बच्चों तो चैट बॉक्स में लिख दो। 8 सोल्व कर रहे हैं अपन, 8वां DPP सोल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है,
क्वेश्चन नंबर थ्री थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिख रहा होगा सब लोगों को। 100 ग्राम इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5.6 ग्राम CO2 गैस एट HTV। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द लाइम स्टोन सैंपल, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन द लाइम स्टोन सैंपल, तो 100 ग्राम इम्प्योर CaCO3 है, तो 100 ग्राम इम्प्योर CaCO3 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड वाला क्वेश्चन है, DPB नंबर हम सोल्व कर रहे हैं 8। 100 ग्राम इम्प्योर CaCO3, इसमें मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर जो है यहां पे जो है एक्स ग्राम जो है CaCO3 पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्स ग्राम इसमें क्या पड़ा हुआ है? CaCO3। रिवर्स अप्रोच करेंगे हम, ठीक है। एक्स ग्राम CaCO3 है तो मोल कितना हो जाएगा इसका? एक्स अपॉन मोलर मास CaCO3 का 100 होता है, सही है। ये मैंने मोल निकाल लिया कैल्शियम कार्बोनेट। भैया कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो इट गिव CaO प्लस CO2, सही है। ये मोल मोल एनालिसिस का यूज कर लू चाहो तो मैं, नहीं तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे आप, ठीक है। अच्छे मोल मैंने यहाँ रखा। अब CO2 क्वेश्चन में गिवन है 5.6 लीटर, इसको मोल में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दूं? 22.4 से, ठीक। तो यहां से मैंने रखा x by 100 must be equal to 1/4 सोल्व करने पे, तो x आ गया 25 यहां से ग्राम, ठीक। तो अभी मैंने ये निकाला है कि 25 ग्राम मेरे पास CaCO3 है, ठीक है। अब CaCO3 जब तोड़ते हैं तो उसमें कैल्शियम मिलता है, एक मोल से एक मोल मिलता है, तो 100 ग्राम से ये कितना मिलता है भैया? 40 ग्राम मिलता है, ठीक है। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, तो 25 ग्राम से क्या मिलेगा भैया? 10 ग्राम मिलेगा कैल्शियम, ठीक है। अब ये 10 ग्राम कैल्शियम, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि परसेंट कैल्शियम इन सैंपल, तो आपने कहा कि 10 ग्राम कैल्शियम था आउट ऑफ 100 ग्राम सैंपल, इम्प्योर सैंपल इंटू 100, बराबर आंसर कितना आ गया? 10%। ये मैंने सोल्व कर दिया है, क्या ये समझ में आया है क्या? यस और नो लिखिएगा बच्चों, समझ में आया हो तो बता दो मेरे को कि क्या ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देगा, चलो समझ में आ गया बच्चे को, शुक्रिया। चलिए तो 100 ग्राम, ये मैं एक बार और बता देता हूँ, 100 ग्राम इम्प्योर CaCO3 है, इसमें 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट माना, ठीक है। इससे इसके मोल निकाले, इसके मोल बराबर मोल CO2 है, CO2 के मोल दिए हुए थे, तो मैंने x निकाल लिया 25 ग्राम, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम था मेरे पास। जब हम इसको तोड़ते हैं तो 100 ग्राम से मिलता है 40 ग्राम, तो 25 ग्राम से मिलेगा 10 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज कैल्शियम की पूछ रहा था, तो 10 आउट ऑफ 100 इंटू 100 तो बराबर 10% होता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए तो अब आगे जो है हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 तक, और डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। 5 पूछा है, 5 में पूछा है कि व्हेन x ग्राम ऑफ कार्बन आर हीटेड, एक्स ग्राम ऑफ कार्बन आर हीटेड विद वाई ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज वेसल, क्लोज वेसल है, नो सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाई बाई एक्स मस्ट लाई बिटवीन। अब चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको कि 1.33 2.67 के बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल, या ग्रेटर देन और इक्वल 1.33, या वाई बाई एक्स मस्ट बी लेस और इक्वल 1.33। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका। हमारे पास x ग्राम तो है कार्बन और y ग्राम हमारे पास है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बोल रहा है कि नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट, क्या बोल रहा है? नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब ये कार्बन खत्म करना भैया, ये कार्बन पूरा का पूरा मुझे कंज्यूम करवाना है। तो दो रिएक्शन मेरे दिमाग में आती है कि कार्बन इससे रिएक्ट करके CO भी बना सकता है, कार्बन प्लस O2 CO2 भी बना सकता है, दोनों में कार्बन खत्म करवा सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मैं इस रिएक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मिनिमम ऑक्सीजन तो यहां रिक्वायर्ड है ना इसको खत्म कराने के लिए। तो हम ये रिएक्शन कौन सी कंसिडर करें? ये वाली रिएक्शन कंसिडर करके आगे बढ़े। इसके एक मोल के लिए ये चाहिए आधा मोल, ठीक है। इसका मतलब 12 ग्राम के लिए चाहिए आधा मोल, यानी कि 16 ग्राम, ठीक है। ये x और y, अच्छा 16, जब ये y बाई एक्स का रेशियो बराबर 16/12 यानी 1.33 होगा, तो कार्बन पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, ठीक है। और लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन का मास
ग्रेटर देन 60 ग्राम लूंगा तब भी तो कार्बन पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन रेजिड्यू बच जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा फोकस किस पे, कार्बन खत्म करने पे, ठीक है। यानी कि वाई बाई एक्स रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.33 होगा तो ऑल ऑफ द कार्बन विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से सॉल्व करा है इस तरीके से, ठीक है। बच्चों बताओ क्या ये समझ में आया क्या? ठीक है, ये मोल जो थ्योरी में दे रखा है ना मैंने 1.5, वो मैंने मोल दे रखे हैं भैया, ये मैं मास के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ रहे बात को? जब अपन मोल के बारे में बात करेंगे तो 1.5 चलेगा, वहां मैंने जो है मास के बारे में बात कर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया बच्चे को, आगे अपन बढ़ रहे हैं। चलो बच्चों कोई और डाउट, कोई और डाउट बच्चों? आज से 5 के बाद 6 to 10 तक कोई डाउट? ये डीपीपी बड़ी है वैसे मेरे ख्याल से, आज अपन यही डीपीपी डिस्कस कर पाएंगे मेरे ख्याल से। चलो 6 से 10 में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आया है। 11 से 15 में कोई डाउट? 11 से 15 में कोई डाउट अगर हो बच्चे को चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चों, मेहनत कर रहे हो तुम, इसका मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो क्या है ना, बच्चा मेहनत करेगा वही रियल कॉन्फिडेंस है बच्चों। अगर आप कॉन्फिडेंस, अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, यही कॉन्फिडेंस तुमको जिताएगा, ठीक है। बाकी देखो हम लोग तुम्हारी हेल्प के लिए हैं, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो हम बता देंगे, बताने के बाद भी तुम्हें डाउट हो ना तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सुशांत ने कौन सा पूछा है, डीपी में नंबर 9 में 6 क्वेश्चन पूछा है क्या सुशांत, मेरे को बोलो, डीपी 9 में 6, अच्छा 6 9 पे पहुंच गया अपन, है ना। चलो तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ कि हम कौन सा डीपी डिस्कस कर रहे हैं, बढ़िया कि अपना डीपीपी कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना, जो टारगेट था हमारा 6 7 7 8 9 का। डीपीपी 9 में 1 to 5 में कोई डाउट बच्चों? बोलो 1 to 5 में कोई डाउट? 6 to 5 में कोई डाउट नहीं है। 6 to 10 में डाउट, 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, ठीक है, 6 तो पूछा है ना, मैं कंफर्म कर लूँ एक बारी, साथ है ये 6 है ना, डाउट 6 है कि नहीं है? चलिए तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये 6 क्वेश्चन। तो ये तो यार मैच दो कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको एक एक करके मैच करना पड़ेगा, बताओ किसमें डाउट है, मैं एक चेक करवा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब आपको जो मुझसे पूछ लो कि इसमें किसी एक ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बताओ लिखो चैट बॉक्स में किसी एक कॉलम 1 और कॉलम 2 में, फिर कॉलम 1 तो आप एनालाइज कर ही लोगे, कॉलम 2 मिलाना है, बस एक बार कॉलम में सोल्व करेंगे अब, ठीक है। सी बता देता हूँ, सी पूछा है बच्चे ने, तो ए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन दे रखा है 42.857, लिखते जाते हैं साथ में, कार्बन परसेंट है 42.857, आगे बोला है हाइड्रोजन 57.143। चलिए ये दोनों जो है हमसे जो है ये चीज पूछ ली, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो भैया ये मेंशन करने के बाद तो हम आराम से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इस डेटा पे तो मैं केवल इंपीरिकल निकाल सकता था, ठीक है ना, तो मैं इंपीरिकल निकाल सकता था, लेकिन ये लाइन देने का मतलब ये है कि नाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो, ठीक। तो अब अपन आते हैं, ठीक है, कार्बन परसेंट और हाइड्रोजन परसेंट मैंने बोल दिया यहाँ पर, तो तरीका हमारा सिंपल था, 100 ग्राम एज्यूम किया, उसमें से कार्बन जो है 42.85 है, हाइड्रोजन है 57.143, भैया ये ग्राम आ गए दोनों के, ठीक है। अब ग्राम आने के बाद मोल कार्बन इज इक्वल टू 42.85/12 और मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 57.143/1, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो अगर आपने निकाला हो, मैं रफली करूँगा अगर इसे, तो बोलो क्या हो जाएगा ये 42.12, कैलकुलेटर से करके बता दें, ये मोल परसेंट नहीं दोस्त, ये हमेशा परसेंट जो है ना, परसेंट बाई मास होती है,
मोल परसेंट नहीं है, मैं देख लेता हूँ, मोल परसेंट तो नहीं बोल रहा है। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है भैया बाई मोल परसेंट बोल रहा है, तो मोल परसेंट बोल रहा है, फिर तो हमें जो है ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसने बाई मास नहीं बोला है, परसेंट बाई मोल बोला है, तो इसका मतलब मुझे ये थोड़ा करने की जरूरत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल 42.85 और इधर में आ गया 57.143। चलो ठीक है, ये अगर वन मान लूँ तो ये निकाल सकते हो ना कितना होगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दो फटाफट मुझे कि कितना आएगा। 57.143 अपन 42.85, चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट सॉल्व करके कितना आता है, ये जल्दी लिखना बच्चों, वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मोल रेशियो दिया था ना क्वेश्चन में, तो फिर तो मास मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो मोल परसेंट गिवन थी। ये कैलकुलेटर सॉल्व करके मुझे फटाफट लिख दो चैट बॉक्स में, वेट कर रहा हूँ मैं। ये क्या निकालना है मुझे, 57.143 अपॉन 42.85 का रेशियो, यह आया 1.33, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 1:2, 1.433 को ऐसे लिख दूं मैं तो 3:4 हो गया ना भैया, तो आंसर क्या हो गया, C3H4। अब ये बेसिकली इम्पीरिकल फार्मूला है, लेकिन इसने खुद ही बोल दिया है कि एक मॉलिक्यूल में तीन कार्बन होने चाहिए, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम हो गया, C3H4। क्या ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब आप मिला लोगे इसको, इसको चार बार, चार ऑप्शन में मिलाना है अपन को, कि वन मोल ऑफ कंपाउंड कंटेंस 4 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। पी ऑप्शन में बोल रहा है ये, तो वन मोल अगर C3H4 ले लूँ तो इसमें हाइड्रोजन के जो है चार मोल मिलेंगे मुझे, तो कितने एटम्स हो जाएंगे, 4 Na एटम्स, किसके एटम हो जाएंगे, हाइड्रोजन के, तो मतलब पी ऑप्शन करेक्ट है। फिर ऐसे करते हुए क्यों चेक करना है, इम्पीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज सेम एज मोलिकुलर फार्मूला, अपन निकाल चुके हैं, क्यू भी सही है इसका मतलब, ठीक है ना, क्यू भी अपना सही है। फिर अपन निकालेंगे आर, आर जो है कंबशन प्रोडक्ट ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड कंटेंस लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 देन दैट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। C3H4 का कंबशन करोगे तो यहाँ से जो है O2 से कंबशन करवाया तो 3CO2+, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है, 2H2O, इधर ऑक्सीजन हो गया 4, 6, 2, 8, 4, ठीक है, तो ये 3:2 के मोल रेशियो में बनेगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, कंबशन प्रोडक्ट ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड कंटेंट लार्जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 देन दैट ऑफ वाटर, सही है बात, ये 3 मोल तो ये 2 मोल, तो ये ऑप्शन भी सही है, आर भी सही आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद एस ऑप्शन चेक कर लोगे, ठीक है, एक्स ऑप्शन चेक कर लो, कंबशन ऑफ 0.25 मोल ऑफ कंपाउंड को ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 11.2 लीटर, एस ऑप्शन कर लोगे ना भैया, बोलो, क्योंकि ये यहाँ पे जो है अगर मैंने C3H4 का कंबशन करवाया तो 3CO2 मिला, तो 1 मोल से 3 मोल मिलता है, तो 0.25 से कितना मिलेगा, 0.75 मोल मिलेगा, 3 गुना, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, 0.75 × 22.4। अब आप सोल्व करोगे तो 11.2 तो नहीं होगा, तो एस ऑप्शन इसका नहीं है, आर सही है, क्यू सही है, पी सही है। अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है भैया, इनमें ढंग से एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। और कोई डाउट बच्चों, 7, 8, 9 में, 7, 8, 9 में कोई डाउट, चलो कोई डाउट नहीं बच्चों को। तो अगली क्लास में कितने डीपीपी करें भाई, 10th है, ठीक है, 10th है, 11 है, ठीक है, और मेरे ख्याल से 10, 11, 12 देते हैं, ताकि अगले वीक डिस्कशन खत्म हो जाएगा मोल का, फिर अपन अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू कर देंगे, क्या कहते हो। तो नेक्स्ट क्लास में डीपीपी 10, 11 और 12 करते हैं, और दो क्लास आने वाली है अपनी इस क्लास में, तो एक डीबी में 10, 11, 12, एक में 13 और 14, ठीक है ना। तो ये दो डीबी करके अपन सोल्व कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है, और फिर अगला जो है वो अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक चला चला देंगे अपन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इस वीक में जो है ना, इस सैटरडे को मैं मोल कंसेप्ट का जो है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का वन शॉट क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं सब बच्चों से आग्रह करूंगा कि YouTube पे ज्वाइन कर लें, मैं ऐप पर ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऐप पर ओवरव्यू नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जो है केवल यहाँ पे जो है, चलो ये तो अटेंड कर ही लेना, ऐप पे भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, तो ऐप पे ही पढ़ा दूंगा, YouTube पे ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है ना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम, 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। होमवर्क करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो सब बच्चे, होमवर्क करने से सिलेक्शन होता है भैया। इक्विवेलेंट थोड़े दिन बाद लेंगे भाई, इक्विवेलेंट थोड़े दिन बाद लेंगे, है ना, ठीक है। एटॉमिक करा दूँ, पीरियोडिक करा दूँ, फिर इक्विवेलेंट ले लूँगा, ठीक है। चलो, डीपी भी मिल जाएगी आपको, डोंट वरी, डीपी भी आ जाएगी, वहीं पर फोल्डर में शेयर करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों, आज ही क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों डीपी भी डिस्कस हो गए हमारे, ठीक, चलिए, है ना। चलिए तो ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट।